सबसे पहले आपके आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में इनका जन्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं 10 साल बाद आपके अबिंद्रनाथ टैगोर आते हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में आते हैं, एक आर्ट मूवमेंट होता है, एक स्कूल फ्लरिश करते हैं ये, जहाँ पे रिवाइवलिज्म की बात करते हैं, जितने भी हमारे फोक आर्ट्स हैं, जितने भी हमारे इंडियन कल्चर हैं, जो हमारी रूट्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, एंशियंट म्यूरल्स वगैरह हैं, जितना भी मतलब हमारा इंडियन आर्ट कल्चर हेरिटेज है उसको ये फॉलो करते नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अबिनेन्द्रनाथ टैगोर की मैं आपकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जन्म होता है रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद फिर इनके जो नेफ्यू हैं अबिंद्रनाथ टैगोर और गगेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों इनके नेफ्यू हैं और इनकी एक बहन भी है, उनका नाम है सुनैनी देवी। अच्छा, सुनैनी देवी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि जब तक मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगा कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है। हम क्रोनोलॉजी से बढ़ते चलेंगे और इनके आर्ट स्टाइल को जानते चलेंगे, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर इनके फेमस काम के बारे में जानेंगे, किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट करते हैं उनके बारे में जानेंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब हम सीक्वेंस से जानते चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्टोरी का जो है कंपाइलेशन कर रही हूँ, स्टोरी एक कंपाइल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जो है समझ आए, आ जाए चीजें। तो सबसे पहले मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर के जो नेफ्यू हैं वो हमको अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, गगेंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बहन भी है, उनका नाम है सुनैनी देवी। भारत की पहली महिला चित्रकार हैं सुनैनी देवी। नेव आर्ट में जो है ये काम करती हुई नजर आती हैं। इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती नहीं है, स्टिल ये अपने काम के लिए बहुत जानी जाती हैं। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर की। तो अबिंद्रनाथ टैगोर क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये बंगाल स्कूल जो है ये बंगाल स्कूल के अंडर आते हैं, बंगाल स्कूल के काम के लिए जाने जाते हैं, और इनके ना तीन स्टूडेंट होते हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर के तीन स्टूडेंट होते हैं। नंबर वन नंदलाल बोस, नंबर टू आसिफ कुमार हालदार, नंबर तीन शितेंद्रनाथ मजूमदार। ओके, तो अबिंद्रनाथ के तीन स्टूडेंट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब होता है मैजिक। तो अब क्या होता है, नंदलाल बोस के दो स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर वन विनोद बिहारी मुखर्जी, नंबर टू राम किंकर बेज, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से एक मैजिक देखिए, क्या मैजिक होता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी के तीन स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर वन केजी सुब्रमण्यम, टू सोमनाथ होर, थ्री सत्यजीत रे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो केजी सुब्रमण्यम है वेल नोन इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, सोमनाथ होर वेल नोन जो है स्कल्प्टर हैं, फेमस बहुत फेमस स्कल्प्टर हैं, एंड देन सत्यजीत रे जो आपके इलस्ट्रेटर हैं, बहुत फेमस इलस्ट्रेटर हैं, एंड देन बहुत ही ज़्यादा फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी यानी कि जो इनके गुरु थे विनोद बिहारी मुखर्जी, उनके ऊपर एक मूवी बनाई थी इन्होंने, द इनर आई। और ये उन्होंने कब बनाई थी ये आप ही मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब एक और मैजिक होता है, क्या मैजिक होता है कि राम किंकर बेज जो हैं उनके भी अब तीन फेमस स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन है वो, शंकु चौधरी है नंबर टू, बलबीर सिंह कट है नंबर तीन, प्रभास सेन है। अच्छा, तो मैं आपको एक क्रोनोलॉजी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमको टाइम के साथ तो जानना जरूरी है ही। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मतलब इस तरह से भी देखे जाते हैं कि आप सीक्वेंस में लगाइए कि कौन बड़ा था, कौन छोटा था, फिर उसके बाद कौन छोटा था। तो अब यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री का फंडा क्या है, तो कई बार हम देखते हैं कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डेट्स याद करने में फंसे रहते हैं कि 1901 में इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु यहाँ हुई, यहाँ हुई। तो मतलब ऐसे है ना चीजें, मतलब ये रट्टाफिकेशन होता है, आप ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आप इसको है ना इस तरह से समझोगे ना कि ये इनके स्टूडेंट, फिर इनके स्टूडेंट, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, है ना, 19th सेंचुरी, फिर 20th सेंचुरी, ऐसे ऐसे करके अगर आप सीक्वेंस में चीजें जो है समझते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अब होता क्या है, अब हम आते हैं वापस रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में है राम किंकर बेज, रविंद्रनाथ टैगोर, केजी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी।
तो अब हम इन चारों के आसपास ही घूमेंगे, इन चारों को ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, आप दोबारा से हम आते हैं हम अपने रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वेल नोन बंगाली इंडियन पोएट है, उसके बाद एक बहुत ही जाने माने प्रख्यात फिलोसोफर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनका जो जन्म है वो जोरासांको कोलकाता में होता है। और हम देखते हैं कि इनका जो पेंटिंग की तरफ रुझाव है, इसके अलावा जो पेंटिंग की ये पोएम्स वगैरह तो लिखते ही हैं, राइटिंग के लिए बहुत जाने माने प्रख्यात राइटर भी हैं और जाने भी जाते हैं। और मैं बात करूँ पेंटिंग के स्टाइल के बारे में, तो हम देखते हैं कि जो पेंटिंग की तरफ इनका रुझाव है, जो आर्ट की तरफ जो रुझाव है, इनका ये रुझाव इनकी 65 साल की आयु के बाद होता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं। तो अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी और बात करूं, तो हम देखते हैं कि इन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगीत भी लिखा था, नेशनल एंथम भी लिखा था। इनको इनके लिटरेरी वर्क के लिए, जो इनका लिटरेचर में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में। तो कहने का मतलब ये इनको तो हर कोई ही जानता है, लेकिन हम इनको यहाँ पर आर्ट के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका काम का स्टाइल क्या है और वो ऐसा क्यों है, फेमस आर्टवर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम और इनके इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम इस तरह से इनको डिकोड करते चलेंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ भी हमसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर कर पाए। तो अब हम यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो नंबर वन हम देखते हैं कि 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, जहाँ पे जो है जो भी इनके पास नॉलेज है, अपनी नॉलेज जो है बच्चों को शेयर कर सके, एक एक छोटा सा स्कूल बनाते हैं। अराउंड 5 स्टूडेंट्स रहे थे उस टाइम पे, तो एक छोटे से स्कूल की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर ये 1919 में यानी कि 1919 में जो है ये कला भवन की स्थापना करते हैं। कला भवन एक विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1921 में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, जो अराउंड 1951 में 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है घोषित की जाती है, तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत। तो हम ये देखते हैं कि पहले देखिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद 1919 में देखते हैं कि हम कला भवन की शुरुआत हो रही है, फिर हम देखते हैं कि 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अच्छा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कला भवन हो गया यानी कि विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट है ना, एक है चीना भवन, ऐसी कुछ है चीना या चाइनीज भवन, हाँ, फिर एक हो गया आपका हिंदी भवन यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ना भवन बने हुए हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 1919 में ये कला भवन की स्थापना करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इनके जो अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, ये इनके साथ ही चल रहे हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर के जो स्टूडेंट्स हैं वो है नंदलाल बोस। अब क्या होता है, 1919 में ये इन्होंने यहाँ पे स्थापना कर दी कला भवन की, तो अब कला भवन में टीचर, भाई अब कला भवन तो खोल दिया, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट का टीचर कौन होगा, खोल तो दिया डिपार्टमेंट। तो अब जो आपके नंदलाल बोस होते हैं, इनको यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है कि आप आओ, ऑफर दिया जाता है आप आओ यहाँ पर आके पढ़ाओ बच्चों को। वो कहते हैं ठीक है, वो उनका प्रस्ताव मान लेते हैं, वो एग्री करते हैं, कहते हैं वो कहते हैं ओके। फिर वो आते हैं, फिर यहाँ पर जो है पढ़ाने लग जाते हैं। अब टीचर तो आ गया, स्टूडेंट्स कौन, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट होते हैं नंदलाल बोस के जो एडमिशन लेते हैं यहाँ पर कला भवन में, वो है विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी आते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनते रहिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आप अब यहाँ पे नंदलाल बोस आ गए आपके और आपके विनोद बिहारी मुखर्जी आ गए यहाँ पे, अभी दोनों पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है, अपने लिटरेरी वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं। तो ये आए दिन विदेश यात्रा करते रहते थे, और अराउंड 34 कंट्रीज जो है ये विजिट भी कर चुके हैं, विदेश में काफी भ्रमण किया है इन्होंने। तो ये आए दिन इनको इनविटेशन आता रहता था बाहर की कंट्रीज से कि आप आइए और अपनी पोएम्स या जो भी राइटिंग्स हैं वो सेशन लीजिए यहाँ पे, जो है यहाँ पर जो है हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी जगह पर यहाँ पे जो है लेक्चर लीजिए, सेशंस लीजिए एक्सेट्रा। तो ये बाहर जाते हैं। अब देखिए 1919 में तो आपका कला भवन हो गया शुरू और काम हो रहा है, आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये बाहर जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि एक स्टेला क्रामरिश, जो कि ऑस्ट्रिया की वेल नोन आर्ट हिस्टोरियन है, जानी मानी
कहानी, और इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है द हिंदू टेम्पल। इन्होंने बहुत काम किया है इंडियन टेम्पल पर और स्कल्पचर्स पे हमको इनकी बुक्स देखने को मिलती हैं। तो ये बाहर जाते हैं और ये वहाँ पर स्टेला क्रैमरिज से मिलते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो उनका लेक्चर सुनते हैं तो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो वो इन्विटेशन देते हैं कि आप आइए, हमने कला भवन की स्थापना की है शांति निकेतन में, आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो टीचर्स हैं उनको जो है नॉलेज बांटिए वहाँ पे, उनको एज एन फैकल्टी वो इनवाइट करते हैं, तो वो मान जाती हैं। तो फिर 1922 में यानी कि 2 साल बाद फिर हम देखते हैं कि अब आपकी वो आ गई हैं स्टेला क्रैमरिज यहाँ पर आ गई हैं। वो यहाँ पर आके गोथिक टू डाडाइज्म का जो है कोर्स लॉन्च कर रही हैं, कोर्स वो पढ़ा रही हैं, वो वहाँ पे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं और टीचर भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये जो अवींद्रनाथ टैगोर हैं और जो नंदलाल बोस हैं बंगाल शैली में काम कर रहे हैं। अब इनके प्रभाव में कौन है, अब इनके प्रभाव में है आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। अब क्या होता है, अब बाहर से भी स्कॉलर्स आ रहे हैं, है ना, अब बाहर से भी जो हमारी जो नॉलेज है वो उनका एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो रविंद्र जो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हैं वो बंगाल स्कूल में भी काम कर रहे हैं और फिर आपकी स्टेला क्रैमरिज से बाहर की भी नॉलेज ले रहे हैं, वेस्टर्न आर्ट की नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद फिर रविंद्रनाथ की आइडियोलॉजी भी सुन रहे हैं। तो अब चलिए वापस चलते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर की ओर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि जो आर्ट है वो सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो इनर जो हम हमारी जो इनर ब्यूटी होती है, जो हमारे इनर थॉट्स हैं, आर्ट इज ऑल अबाउट इनर सेल्फ, आर्ट इज ऑल अबाउट इनर एक्सप्रेशन, है ना, वो इन सब चीजों की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये अपनी 65 में यानी कि 65 साल की आयु के बाद यानी अराउंड 1928 के अराउंड ये जो अपनी पेंटिंग्स है ना इनको सीरियस लेना शुरू करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। हम वापस रविंद्रनाथ टैगोर पर शिफ्ट हो गए हैं, प्लीज आप ये सीक्वेंस फॉलो करते चलिए, वीडियो को दोबारा देख लेना और ज्यादा क्लियर करने के लिए, समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, तो अब क्या होता है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। इनकी कला की शुरुआत कैसी होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्या करते हैं कि ये अपनी पोएम्स लिखते रहते हैं, जब ये पोएम्स लिखते हैं तो ये करेक्शन करते हैं, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि करेक्शन करते करते कुछ शब्दों को काट देते, तो ये ना अचानक से है ना ये ऑटोमेटिक फॉर्म्स बन जाती हैं। तो ये उनसे कहीं ना कहीं अपना रिलेशन, ये अपने जो इमोशंस हैं उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो काम है ये मतलब ये कुछ प्लान्ड करके नहीं करते हैं, ये जो सोचते हैं इनके मन में जो आता है ये वो काम करते हैं, इनकी जो इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। कहीं ना कहीं हमको इनके अनकॉन्शियस माइंड की जो इमेजेस हैं, यानी कि अब वो अपना काम कर रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं और वो मतलब कि अनकॉन्शियसली अपना मिटाते चल रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसी डूडलिंग सी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जो है अपना सेल्फ एक्सप्रेशन वहां पर अपना वहां पर वो छोड़ना चाहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं कि मेरे को किसी आइडियोलॉजी में, किसी आर्ट स्कूल में बंधना नहीं है, मुझे जो फील होता है मैं बस वही बनाऊंगा। अगर मैं बल्कि इनके मीडियम की बात करूँ तो हम देखते हैं कि मीडियम में भी इन्होंने कुछ कैनवस पे ऐसे ब्रश लेके काम नहीं किया है। शुरुआत में हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ऐसी पेन से डूडलिंग करते हैं, काली स्याही से काम करने लग जाते हैं, ऐसी उंगली को रंग में डुबोया काम कर लिया। ब्रश की मैं बात करूँ तो जैसे कि एक कॉटन लिया और फिर उसको थोड़ा सा किसी भी नेचुरल कलर में कोई फूल वगैरह को ऐसी निकाल कर रंग को ऐसी उसको डाला और ऐसी कुछ भी ड्रॉ कर दिया। शुरुआती काम तो बल्कि इनके हमारे ब्लैक इंक में ही इनको देखने को मिलते हैं इनके, क्योंकि एक राइटर हैं, बहुत सेंसिटिव सोल हैं, तो ये अपने सब्जेक्ट मैटर को, नेचर को, प्रकृति को, मनुष्य को, एनिमल्स को, हर किसी को मतलब बहुत सेंसिटिव है, तो उनकी दुख को, उनकी पीड़ाओं को ये बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जब तक आपकी क्रिएटिविटी, आप जब तक आप जो एसेंस होता है ना किसी चीज़ का, अगर आपको कुछ दुख प्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ में, या फिर आपको किसी कोई दुख का जो रोल प्ले करना है आपको, है ना, तो उसको उसके कैरेक्टर में आपको जाना पड़ेगा, उस चीज़ को पहले फील करना पड़ेगा। और ये तो बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं,
तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें फील करते हैं उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूं तो हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि ट्रूली मॉडर्न आर्ट स्टैंड्स अपार्ट एनी स्कूल और रिजिड आइडियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बोला किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, किसी स्कूल में बनना नहीं चाहते हैं। जैसे कि बंगाल स्कूल में क्या था, बनकर काम हो रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंडियन आर्ट को फॉलो कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि ये माइथोलॉजिकल थीम्स हैं उस पर काम कर रहे थे, है ना, वॉश टेक्निक थी और वहाँ पे इंडियन मिनिएचर, इन सब पे इनका ज्यादा फोकस था, है ना। मगर रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम देखते हैं, अगर मैं इनके काम की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके जितने भी काम हैं वो सारे इनके पर्सनल और लोकल एक्सपीरियंस जो है इनके उनके उनके ऊपर बेस्ड है। इनके काम की सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो ये जो भी आसपास जिस पर ये इन्होंने लिखा है, फिर जिस जहाँ जहाँ इन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ें, लैंडस्केप बनाए, बर्ड्स बनाए, एनिमल्स बनाए, लिविंग ट्रेडिशंस पर काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं बात इनके थोड़े स्टाइल की करूँ तो हम देखते हैं कि इसकी इनके जो फिगर्स हैं, इनके जो काम है वहाँ पे, मतलब बहुत ही इमेजिनेटिव फिगर्स है, फैंटेसी हमको देखने को मिलती है, ड्रामेटिक फिगर्स है, हॉरिफाइड लगते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मिस्ट्री एकदम है इनके अंदर। रिदमिक लाइंस का ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है करते हुए नजर आते हैं। और इनके काम जो है नॉल्डे और पॉल क्ली से ही प्रभावित है, क्योंकि ये इनर एक्सप्रेशन की बात मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ, मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये एक आर्ट, ये एक राइटर है और एज एन राइटर बाहर इनवाइट किए जाते हैं, बाहर इनका आना जाना लगा रहता है, बाहर जाके बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी आर्ट स्कॉलर से भी मिले, ये स्टेला क्रैमरिच से मिले, तो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा स्कूल में जाके इतना नहीं सीख पाएगा शायद, लेकिन वहाँ ज़्यादा सीख पाएगा जहाँ पे उसको एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे उसको इतने अपने अपने से ज्यादा स्किल्ड लोग मिलेंगे। सराउंडिंग का बहुत फर्क पड़ता है। इनको साउंड नॉलेज थी, इनको साउंड नॉलेज थी वेस्टर्न आर्ट की, ये सारे इज्म से भली भांति परिचित थे, बाहर जाके अपनी एग्जीबिशन देखते थे। उसके अलावा 1930 में इनकी पेरिस में एग्जीबिशन भी लगी थी और इन्होंने जो काम किया, स्टेला क्रैमरिच भी उनकी तारीफ करती है, ये जितने भी आपके आनंद कुमार स्वामी है, मुल्क राजा, सब कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो स्कॉलर्स हैं बाहर अंदर यहाँ पर इंडिया में, सबसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से ये कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद फिर नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी, तो ये सब चीजें जो है हमको इनके काम में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इनका जो काम है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड आर्ट है। जैसे बच्चा नहीं होता है, बच्चे बस ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे स्केच करते हैं, कुछ भी ड्राइंग कर देंगे, कुछ भी बनाएंगे, फिश बनाएंगे, कुछ भी, बीट एनी थिंग, कुछ भी बनाएंगे, तो उनको कोई मकसद नहीं होता। वो अपनी आर्ट से कुछ प्रूव नहीं करना चाहते कि भैया ये ऐसे है, नहीं ऐसे है, ये इसके पीछे तो भैया ये थ्योरी, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस अपने एंजॉयमेंट के लिए, मतलब वो तो बस ऐसे एकदम फ्री होकर काम करते हैं एकदम, और मतलब कि तनाव से मुक्ति के लिए इसको हम बोलते हैं, मतलब कि कहते ना कि ड्राइंग कर लो, कुछ ऐसा कर लो तो मतलब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो बस वही, वो बस उसमें बह जाना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ चाइल्ड आर्ट हम बोल सकते हैं कि वो इनका स्टाइल था, आप समझ रहे हैं। तो किस तरह से मतलब कि चीजें डेवलप कर रही हैं। ब्रिटेन के बाद फिर हम देखते हैं इनकी जो एग्जीबिशन है वो और भी जगह हुई है, और फिर सिर्फ पेरिस में 1930 में सिर्फ पेरिस में ही नहीं, और भी बहुत जगह, फ्रांस में, न्यूयॉर्क, बहुत सारी जगहों पे इनकी एग्जीबिशंस देखने को मिलती है। और इनका काम हमको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी देखने को मिलता है। इनका एक काम है वुमेन फेस, कई बार पूछा जाता है इसका भी कि वुमेन फेस जो है किसने बनाया, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो चाइल्ड आर्ट पे काम करता है, फिर जिसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, या फिर ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसने अपनी 65 यानी बहुत ही ज्यादा अधेड़ अवस्था में काम करना शुरू किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन, अनकॉन्शियस माइंड को भी रिवील करते हुए नजर आते हैं। उनको पता नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं, वो बस बना देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहीं ना कहीं वहां से भी इंस्पायर्ड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि ऐसा ये मतलब वेस्टर्न आर्टिस्ट के किस, कौन से वेस्टर्न आर्टिस्ट से प्रभावित है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नॉल्डे और जो आपके ये जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट हैं, और उसके बाद फिर पॉल क्ली के काम से कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस्ड होते नजर आते हैं। तो अब देखिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ। अब क्या होता है,